नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तो आप देख रहे हैं डेरा डॉग। हाल फिलहाल में इन्फिनिक्स ने काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किया है इन्फिनिक्स नोट 12 सीरीज के अंडर में, जहां पर इन्फिनिक्स नोट 12, इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो एंड इन्फिनिक्स नोट 12 5G के अंदर आपको सेम कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, एंड सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है। वहीं पर और एक जो फ़ोन है विच इज़ इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G, जहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, विच इज़ सैमसंग ISOCELL H6 सेंसर, एंड उसके साथ साथ वही सेम 2 मेगापिक्सल डेप्थ एंड मैक्रो एंड सेल्फी कैमरा देखा जाए सेम 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। मैं काफ़ी क्यूरियस था कि ये 50 मेगापिक्सल एंड 108 मेगापिक्सल कैमरा में क्या अंतर है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन्फिनिक्स का नोट 12 सीरीज में जो 50 मेगापिक्सल मिलता है उससे 108 मेगापिक्सल में क्या अंतर आपको मिलता है। सो ये रहा इन्फिनिक्स नोट 12 एंड नोट 12 प्रो 5G के फोटोज, जहां पर ये वाई डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल है, जहां पर रेजोल्यूशन आपको मिलता है 3048x4064, 4.61 MB का साइज है। वहीं पर नोट 12 प्रो 5G में आपको सेम 12 मेगापिक्सल मिलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे 12.4 या फिर 11.8 ऐसा ही मिलता है। 2976x3968 है, 4.66 MB का यहाँ पर रेजोल्यूशन है। एंड नाउ दिस इज द हायर रेजोल्यूशन नोट 12 में 50 मेगापिक्सल का, अगर रेजोल्यूशन देखा जाए विच इज 6120x8160 एंड 14 MB का ये वाला फोटो आया है। वहीं पर नोट 12 प्रो 5G में आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल अप टू एंड विच इज 9000x12000, 36.2 MB का यहाँ पर फोटो है। तो मैं अगर जूम करके दिखाता हूँ, नो डाउट दोनों फोटो में आपको क्लैरिटी अच्छा मिलता है, बट जैसे आप देख पा रहे हो कि नोट 12 प्रो 5G में आपको थोड़ा बहुत ओवर सैचुरेटेड कलर्स मिलता है, क्योंकि हम सबको पता है सैमसंग इज नोन फॉर देयर ओवर सैचुरेटेड कलर्स, एंड क्लैरिटी अगर देखा जाए मोर ऑर लेस सेम है, बट वही है 108 मेगापिक्सल है, तो नोट 12 प्रो 5G में आपको थोड़ा सा बेहतर लाइक डिटेल्स देखने को मिलता है, मतलब जो चीज़ें वो थोड़ा सा शार्प मिलता है। नेक्स्ट इज दिस, ये वाला फोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो, मैं साइज रेजोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। नोट 12 जो नॉर्मल है एक्चुअली विच इज़ 50 मेगापिक्सल, जो बाकी तीनों फ़ोन है उसमें क्या होता है, कैमरा जो कैप्चर करता है 50 मेगापिक्सल वो थोड़ा सा जल्दी करता है। वहीं पर नोट 12 प्रो 5G 108 मेगापिक्सल जब भी आप फोटो उठाएंगे थोड़ा सा समय लेके फ़ोन को आपको होल्ड करना पड़ेगा, मे बी कपल ऑफ सेकेंड्स। मैं रिव्यू के टाइम में ऐसे बहुत बार हुआ था, मैं जस्ट कैप्चर किया, उसके बाद शायद माइक्रो सेकेंड और समथिंग एक सेकेंड के बाद मैं फ़ोन को हटाया एंड वो इंस्टेंटली फ़ोन ख़राब हो गया, फोटो ख़राब हो गया। जैसे आप देख पा रहे हो बिल्डिंग थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप 108 मेगापिक्सल इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा स्टेडी हैंड से फोटो उठाना पड़ेगा। तो ये कुछ सैम्पल शॉट्स है एंड साइज आप साइड देख पा रहे हैं, आई थिंक दोनों फोटो काफ़ी अच्छा, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था जो फील्ड ऑफ व्यू है 108 मेगापिक्सल का वो थोड़ा सा ज्यादा है, फोटो में आप ज्यादा एरिया कैप्चर कर सकते हैं सेम पोजीशन से। एंड अगर मैं जूम करके देखता हूं, नो डाउट यहां पर भी आपको 108 मेगापिक्सल में बहुत अच्छा फोटोस मिलता है, क्लैरिटी काफी अच्छा है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा फोटो थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड होता है, बिकॉज सैमसंग इज नोन फॉर देयर ओवर सैचुरेटेड कलर्स, बट सोशल मीडिया जेनी काफी अच्छे अच्छे फोटोस आते हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल फोटोज देखा जाए दोनों में थोड़ा सा अंतर तो आपको देखने को मिलता है, नो डाउट सैमसंग का जो ISOCELL सेंसर है 108 मेगापिक्सल वहाँ पर आपको बहुत ही क्रिस्प एंड शार्प फोटोज मिलता है, इवन अगर आप 12 मेगापिक्सल इस्तेमाल करते हैं वहां पर भी क्रिस्प एंड शार्प फोटोज आपको मिलता है। जी हाँ, वीडियो में काफी सरप्राइजिंग है, यहां पर नोट 12 के जितने भी फोन है ओनली फॉर नोट 12 G88 प्रोसेसर वाला फोन में आपको स्टेबिलाईजेशन मिलता है, बाकी तीनों फोन में स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलता, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, आई डोंट नो ये क्यों किया, बट ओवरऑल अगर वीडियो क्लैरिटी देखा जाए यहां पर भी आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल के सेंसर में, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल मिलता है, बट आइदर दैट मैंने स्टेबिलाईजेशन ऑन करके नहीं उठाया, नोट 12 प्रो 5G में तो स्टेबलाइजेशन नहीं है, बाकी में है, तो कुछ इस प्रकार का वीडियो आएगा। जहां तक टाइमलेस का सवाल है, दोनों में आप टाइमलेस उठा सकते हैं, टाइमलेस दोनों का ही बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो नोट 12 प्रो 5G जहां पर सैमसंग का सेंसर है उसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा ज़्यादा है इन कम्पेयर टू द नॉर्मल 50 मेगापिक्सल, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एरिया मिलता है। एंड इसके अलावा भी आप स्लो मोशन वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो 120 FPS एंड 240 FPS दोनों में आप स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों का क्वालिटी मुझे मोर ऑर लेस सेम ही लगा। तो ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, मुझे पता नहीं है कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, बट हाँ नोट 12 अगर 50 मेगापिक्सल सेंसर देखा जाए वहाँ पर थोड़ा नेचुरल आता है एंड ये फोटो बहुत ही भद्दा है। वहीं पर अगर नोट 12 प्रो 5G का देखा जाए, पता नहीं इतना सारा कलर इतना सारा सैचुरेशन डाल दिया है, तो दोनों ही फोटो बहुत ही बकवास है, बट फिर भी मैं बोलूँगा नोट 12 का थोड़ा सा नेचुरल है, प्रो 5G का तो एकदम ही बकवास आया है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट फोटो, यहाँ पर भी अगर आप देखते हो दोनों फोटो बहुत ही बकवास है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी नोट 12 प्रो 5G का फोटो जो है वो थोड़ा सा ले सकता हूँ। ये नॉर्मल मोड में लिया गया, AI मोड में, ये एक्चुअली पोर्ट्रेट मोड में नहीं लिया गया, बट फिर भी ओवर सैचुरेटेड एक्चुअली कलर्स है, अगर आप देख पाएंगे दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है।
एंड दिस इज द अनदर फोटो एक्चुअली, इसमें मैं बोलूँगा नोट 12 में अच्छा फोटो उठाया है। नोट 12 प्रो 5G का फोटो बहुत ही बकवास आया, मतलब फेस को एकदम पूरा लाल पीला हरा कर दिया है। एंड ये सेल्फी कैमरा वीडियो सैम्पल, हालांकि अगर लाइव व्यू देखा जाए दोनों का लगभग सेम लग रहा है। मुझे इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G का थोड़ा सा शार्प लग रहा है एंड नोट 12 का थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, बट मुझे लगता है दोनों का कैमरा सेम है, विच इज़ 16 मेगापिक्सल एंड फील्ड ऑफ व्यू भी सेम ही है। सो अगर आप सेल्फी कैमरा से वीडियो लेंगे कुछ इस प्रकार का लगेगा विदाउट स्टेबलाइजेशन। तो बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत सेल्फी कैमराज के बारे में। सेल्फी कैमरा में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों में आपको लगभग सेम मिलता है। बहुत कम सुविधा 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा एंड फोटोज़ कुछ इस प्रकार का आता है। सोशल मीडिया के लिए आप जैसा फोटोज इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। तो ज़्यादा कुछ बताने लायक यहाँ पर है नहीं। अगर कंक्लूजन देखा जाए मैं बोलूँगा नो डाउट नोट 12 प्रो 5G में आपको बेहतर कैमरा सेटअप मिलता है, और अगर आप स्टिल फोटोग्राफी के बारे में बोलते हो तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा स्टिल फोटोग्राफी मिलता है कंपेयर टू द अदर 50 मेगापिक्सल नोट 12 फोन्स। बट हाँ, सबसे बड़ा जो चीज़ यहाँ पर मिसिंग मुझे लगता है विच इज़ द स्टेबलाइजेशन, एंड मुझे लगता है और भी ऑप्टिमाइजेशन का ज़रूरत है, क्योंकि पोर्ट्रेट शॉट्स या फिर सेल्फी मैंने सेल्फ शॉट मैंने ह्यूमन शॉट्स उतना अच्छा नहीं आता। इवन मुझे लगता है 108 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो थोड़ा बहुत ओवर सैचुरेटेड कर देता है, वहीं पर 50 मेगापिक्सल में मुझे थोड़ा सा नेचुरल कलर मिलता है। तो इट्स अ हिट एंड मिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन फॉर द टाइमिंग। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे थे कि कौन सा वाला फ़ोन लेंगे, अगर आपको कैमरा प्रायोरिटी है तो नो डाउट नोट 12 प्रो 5G आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर अभी तक इन्फिनिक्स ने जितने भी फोन्स लॉन्च किया उनमें से मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट स्टिल फोटोग्राफी कैमरा अभी तक मुझे मिला है। वो लोग अपडेट के माध्यम से उसको और भी रिफाइन एंड अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सेंसर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा सेंसर है। एंड अगर वो लोग स्टेबलाइजेशन ऐड कर पाएंगे तब मुझे लगता है ये जो वीडियो फुटेजेस है वो काफ़ी यूजेबल होगा। तो गाइज, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट नोट 12 सीरीज 50 मेगापिक्सल एंड 108 मेगापिक्सल। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड शेयर ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम साइड DiAdo15। तो इस वीडियो में अभी तक लिए इतना है। दिस योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम DiAdo, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।